इवनिंग टाइम में भूख लगती है तो ऐसा लगता है कुछ चटपटाओ और टेस्टी भी और फटाफट बन जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे, इससे पहले शायद आपने नहीं बना के खाई होगी। तो आज हम नमकीन वाली भेल बनाएंगे। तो हमने ये मोटा वाला नमकीन लिया है, ये चटपटा नमकीन है, आप जो आपके पास हो वो भी ले सकते हैं। और फिर इसमें हम आलू भुजिया ऐड करेंगे, आप जो नमकीन खाना पसंद करते हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़े से चिप्स ऐड करेंगे, थोड़े से हाथ से क्रश करके डाल दें, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हमें चटपटी बनाना और टेस्टी भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें ना आम भी, कच्चा आम को बारीक काट के डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं बारीक काट के, आप जो चीज़ें खाना चाहें वो डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। फिर इसमें हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, हमने रेड चिली पाउडर लिया थोड़ा सा और ग्रीन चटनी ली है, ये मार्केट वाली ली है क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसमें मीठी चटनी ऐड करेंगे, ये होममेड मीठी चटनी है, इसे भी 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। आप चटपटा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये भेल जो हम नमकीन की बना रहे हैं काफ़ी चटपटी अच्छी लगती है। फिर हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे, हमने मूंगफली को घर में रोस्ट किया है तो वो ही ऐड करेंगे। अगर आपके पास मार्केट वाली रोस्टेड मूंगफली है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साइड में बेल आइकन का बटन भी दिया उसको भी प्रेस करना, इससे आपको मेरे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सबसे बाद में हम नींबू ऐड करेंगे, नींबू हम सबसे बाद में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि पहले ऐड कर देंगे तो नमकीन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपको बताते रहते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे, ये होममेड चाट मसाला है, घर का पिसा हुआ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं अपने इसकी वीडियो सेंड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे बाद में, जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो पहले भी हमने थोड़ा सा ऐड किया था, बाद में भी करेंगे। और थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इसलिए मैं तो वीडियो रोज़ डेली नहीं डाल पा रही हूँ, और आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हो रही है क्योंकि कोल्ड भी काफ़ी डाल पा रही हूँ। और फिर हम इसके बाद में प्लेटिंग कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू।